नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरना चाहिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीप सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलवान बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। आज का हमारा जो प्रदर्शन है ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो 28 तारीख को हम जंतर मंत्र के ऊपर हमारी बेटियों को जिस तरह घसीटा गया, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के शासन को जिस तरह एक तरफ करके इतने बड़े खिलाड़ियों को जो न्याय मांग रहे थे उनके साथ जो व्यवहार किया, सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के माध्यम से इस देश की सरकार को लानत भेजते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आप गद्दी पर रहने के लायक नहीं हैं। आपने जो बेटियों के साथ किया इससे पहले भारतवर्ष में कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। दूसरा, बहुत से साथी कहते हैं ये घटना क्यों हुई, मोदी जी इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, क्योंकि जब ये लड़कियां मेडल लेकर के आई इनको बुला करके चाय पिलाई गई, इनके साथ फोटो खिंचवाए गए, और आज वो बेटियां जब न्याय मांग रही हैं मोदी जी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। उस सवाल से बचने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों को डिटेन कर लिया गया, पंजाब के लोगों को पंजाब में रोक दिया गया, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया, राजस्थान के लोगों को राजस्थान में रोक दिया गया और पूरी तरह प्रजातंत्र के ऊपर हत्या की गई। इसलिए इसका विरोध में आज का हमारा प्रदर्शन है और मैं भारत सरकार से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मोदी तो तानाशाही पे उतरे हुए। राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूँ, आप एक महिला है और ये बच्चियां हैं हमारी, सारे देश की बेटियां हैं, इनके साथ दोबारा इस तरह का अत्याचार किया तो ये देश सहन नहीं कर पाएगा। बाद में हमारे को मत कहना, देश के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बाद में किसी को आप गर्म विचारों का बोल लोगे, किसी के ऊपर तोमन लगाओगे। सच्चाई ये है कि आज ये देश पहले वाली घटना ही सहन नहीं कर पा रहा। अब दोबारा जब वो बेटियां दिल्ली में जाए तो ध्यान रखें, मोदी सरकार उनके ऊपर तानाशाही बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ये बात कहते हुए आप लोग प्रदर्शन में आए, आप लोगों का धन्यवाद। अब हम ज्ञापन देंगे और आज का प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन का ही था, सरकार को चेताने का था, उसके बाद हम घर चलेंगे। बस ताड़ी नहीं बजा कर दे, इसमें एक बड़ा